क्या आपको पता है इन्फिनिटी वॉर में क्यों थैनोस के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स होने के बाद भी वो थॉर के स्टॉर्मब्रेकर को नहीं रोक पाया था? तो इसके सिंपली दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि स्टॉर्मब्रेकर से अटैक करने से पहले थॉर ने थैनोस पे थंडरबोल्ट का अटैक किया था। सेकेंड रीजन ये है कि थैनोस को पता ही नहीं था कि थॉर किस वेपन से उस पर अटैक कर रहा है और वो कितना ज्यादा पावरफुल है, और थैनोस बस 6 इन्फिनिटी स्टोन से हाफ पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता था, ना कि उन स्टोन्स की फुल पोटेंशियल को यूज करना चाहता था। डिटेल नंबर 2, क्या आपको पता है इन्फिनिटी वॉर में क्यों ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ? क्या मतलब थैनोस ने उसे कपड़े के जैसे धोया था? तो यार देखो, रैग्नारोक में हमने देखा था कि हल्क ब्रूस में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है, और जब वो ब्रूस में ट्रांसफॉर्म हुआ तो उसने खुद कहा था कि अब वो हल्क को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसका मतलब ये है कि ब्रूस हल्क को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहा है। और अगर इन्फिनिटी वॉर में हल्क बाहर आ जाता तो किसी के भी लिए हल्क को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता।